सो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। यार कॉपीराइट क्लेम से ही रिलेटेड हमारे एक सब्सक्राइबर का सवाल था कि अगर हमारी यूट्यूब वीडियो पर क्लेम आ जाता है और हमारी यूट्यूब वीडियो की जो रेवेन्यू है वो यहाँ पर शेयर होने लगती है तो कॉपीराइट क्लेम आने से पहले का जो रेवेन्यू है उसका क्या होगा। अगर हमारी यूट्यूब वीडियो पर क्लेम आ जाता है तो क्लेम आने के बाद क्या हम अपनी YouTube वीडियो को प्राइवेट कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति हमें यहाँ पर कॉपीराइट क्लेम भेजता है क्या वो यहाँ पर कॉपीराइट क्लेम भेजने के अलावा भी हमारे YouTube चैनल पर और भी किसी तरह का एक्शन ले सकता है तो उस बारे में भी हमें बता दीजिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बेसिकली कॉपीराइट क्लेम से रिलेटेड A to Z जो भी चीजें इन्होंने पूछा है कॉपीराइट क्लेम के आने से लेकर लास्ट में आपके पास क्या क्या चीजें बचती हैं सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कॉपीराइट क्लेम आने के बाद रेवेन्यू पर इसका क्या असर होता है, रेवेन्यू कैसे शेयर होता है, पुराने रेवेन्यू का क्या होता है, वीडियो यदि आप प्राइवेट कर देते हैं तो उसका क्या फर्क पड़ता है, वीडियो यदि आप डिलीट कर देते हैं तो उसका यहाँ पर क्या फर्क पड़ता है, और मान लीजिए सामने वाले व्यक्ति यदि आपको कॉपीराइट क्लेम भेज रहा है तो उसके पास यहाँ पर और भी क्या क्या तरीके होते हैं आपके खिलाफ एक्शन लेने के, वो आपके अगेंस्ट में और क्या क्या चीजें कर सकता है वो ही मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो क्लास जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर आपकी यूट्यूब वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आ गया है तो सबसे पहला इफेक्ट तो आप यही देखेंगे कि आपकी YouTube वीडियो का जो रेवेन्यू है वो यहाँ पर शेयर होना स्टार्ट हो जाता है। अब यदि आपका YouTube चैनल मोनेटाइज नहीं है उस केस में भी आपकी YouTube वीडियो पर आपको एड्स देखने को मिल सकते हैं जहां पर 100% उसका रेवेन्यू जो है वो शेयर हो जाएगा। और यदि आपका YouTube चैनल मोनेटाइज है तो उस केस में जो रेवेन्यू अर्न होगा वो यहाँ पर जो है वो शेयर हो जाएगा आपके बीच और कॉपीराइट ऑनर के बीच। अब यहाँ पर ये कितना रेवेन्यू शेयर होगा ये हमेशा कॉपीराइट ऑनर पे डिपेंड करता है। कॉपीराइट क्लेम आने से पहले का जो रेवेन्यू है वो आपके पास ही रहेगा, कॉपीराइट क्लेम आने के बाद जो रेवेन्यू है वो यहाँ पर साझा होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर मान लीजिए किसी ने आपकी YouTube वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम भेज दिया है और अब आप उस वीडियो को प्राइवेट कर देते हैं तो देखिए प्राइवेट करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बस इतना ही हो सकता है कि यदि आप उस वीडियो को प्राइवेट करते हैं कॉपीराइट क्लेम के थ्रू जो सामने वाले पर्सन की रेवेन्यू जनरेट हो सकती थी वो यहाँ पर जनरेट होना बंद हो जाएगा। यदि आप अपनी YouTube वीडियो को डिलीट कर देते हैं तब डेफिनेटली आपकी वीडियो से जो कॉपीराइट क्लेम है वो भी यहाँ पर हट जाएगा और आपकी वीडियो भी जो है वो डिलीट हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें कि सामने वाला पर्सन आपके अगेंस्ट में और क्या क्या कार्यवाही कर सकता है तो यदि किसी ने आपकी YouTube वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम भेजा है तो ये एक ऑटो जनरेटेड प्रोसेस होता है जहां पर ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। लेकिन यदि वो खुद से चाहे तो आपकी YouTube वीडियो पर मैन्युअली उसे जो है वो ब्लॉक भी कर सकता है और आपके YouTube चैनल पर उस पर्टिकुलर कंटेंट के लिए आपको कॉपीराइट स्ट्राइक भी दे सकता है। कॉपीराइट के केस में आपका वीडियो डिलीट हो जाएगा और आपके YouTube चैनल पर एक एक्टिव स्ट्राइक भी आ जाएगी जो कि 90 डेज में ही एक्सपायर होगी और आपका वीडियो तो डिलीट हो ही जाएगा। तो यहाँ पर कॉपीराइट क्लेम के अलावा भी जो कॉपीराइट ऑनर है वो इस तरह के एक्शन जो है वो ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस केस में आपको जो है वो करना क्या चाहिए। तो मान लीजिए यदि आपने किसी का कॉपीराइटेड कंटेंट इस्तेमाल किया ही है और उसके लिए आपको कॉपीराइट क्लेम आता है तो उस केस में आपके लिए सबसे बेहतर तो यही है कि आप उस कॉपीराइट क्लेम को एक्सेप्ट करें। अब ये आपकी मर्जी है कि आप उस वीडियो को रखना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं। कॉपीराइट क्लेम का आपके YouTube चैनल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ना ही इससे आपके YouTube चैनल को किसी भी तरह का खतरा होता है, केवल रेवेन्यू बस ही शेयर होता है और इसका कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो आप चाहें तो इसे रख भी सकते हैं या फिर आप इसे चाहें तो हटा भी सकते हैं, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। सो आई होप दोस्तों कॉपीराइट क्लेम से रिलेटेड आपके दिमाग में जो भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। सो वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।